नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में। राजनीतिक गलियारे से मैं रजनीश। सबसे पहले बात करेंगे वर्षों से चले आ रहे अयोध्या विवाद मामले की। मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, कल फिर होगी सुनवाई। इधर सांसद को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया शुरू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा करोड़ों रुपए की होगी बचत। दिल्ली वासियों के केजरीवाल का बड़ा तोहफा, 200 यूनिट तक बिजली मिलेगी मुफ्त। जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल कराने वाले शख्स को पुलिस ने दी चेतावनी, कहा अगर आगे से ऐसा ट्वीट किया तो होगी कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस को सीबीआई के हाथों सौंपा, पीड़िता को 25 लाख सहित सीआरपीएफ की सुरक्षा। अयोध्या विवाद मामले में गठित मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को यानी कल होनी है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि मामले की रोजाना सुनवाई होगी या फिर मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत इसे आगे बढ़ाई जाएगी। इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद को पेपरलेस करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई के दौरान एक नए सुझाव रखे। बिरला ने कहा कि डिजिटल युग में कार्रवाई समेत सभी वाद विवाद चर्चा को लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वहीं ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा को जल्द ही कागज रहित किया जाएगा, जिससे कागज का उपयोग कम होने से करोड़ों रुपए की बचत की जा सकेगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने पर कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह घोषणा इसलिए संभव हुई है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना। इन दिनों सोशल मीडिया पर जोमेटो का मुद्दा काफ़ी गर्माया हुआ है। दरअसल मामला जबलपुर का है, जब एक कस्टमर ने जोमेटो पर ऑर्डर किए गए खाने को इसलिए कैंसिल करा दिया क्योंकि जोमेटो का डिलीवरी बॉय गैर हिंदू था। अब जबलपुर के एसपी अमित सिंह ने खाना ऑर्डर कराने वाले शख्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कुछ भी ट्वीट किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लंबी खींचातानी के बाद अब उन्नाव दुष्कर्म मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथों सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने उस ट्रक कार दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो से 7 दिनों में जांच पूरी करने को कहा है। अदालत पीड़िता व उसके परिवार को मुआवजा दिलाए जाने और उनकी सुरक्षा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथों में लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। सबसे पहले आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के अलावा कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर भारत के साथ। धन्यवाद।